आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई उसके हाथ में एक सूखा आंवला था वह बोली महात्मन मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी बाईस श्लोक बोले ये बाईस श्लोक कनक धारा स्त्रोत के श्लोक थे माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से करती थी इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है यह अपने कर्मों का फल भोग रही है इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा हे माँ लक्ष्मी इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया लेकिन इस जन्म में इसने अपनी पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी उसने यह मुझे सौंप दिया इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी जय मां लक्ष्मी